गर्मियों का मौसम आने वाला था। सारे पक्षी एक पेड़ पर बैठे हुए गर्मी के मौसम का आनंद ले रहे थे। पक्षियों, अब गर्मी का मौसम आने ही वाला है और हमें अब मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे। अब आम के पेड़ों पर बहुत जल्द आम लगने वाले हैं। अब कुछ ही दिन में गर्मी आ जाती है और सारे पक्षी बगीचे की तरफ आम देखने चले जाते हैं। वहाँ जाकर जब वह देखते हैं तो एक पेड़ आमों से भरा हुआ था और एक पेड़ पर केवल दो या तीन ही आम लगे हुए थे। यह देखकर पक्षी कहते हैं, अरे पक्षियों, इस पेड़ पर तो आम लगे ही नहीं हैं। यह पेड़ तो खाली है, क्या हमें इस बार आम खाने नहीं मिलेंगे? पक्षियों, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर साल की तरह सारी गर्मी भरपूर आम देता रहूंगा और अपने पेड़ के आम कभी खत्म नहीं होने दूंगा। सारे पक्षी आम खाकर यहाँ से चले जाते हैं। अरे भाई, तुम तो हमेशा गंजे ही रहते हो, इस बार भी तुम गंजे ही रहोगे। क्या गलती है, अगर मेरे पेड़ पर आम नहीं लगते तो देखना, एक दिन मेरे पेड़ पर इतने आम होंगे कि कोई तुम्हारे पेड़ पर बैठेगा भी नहीं। उस पेड़ को अपने ऊपर बहुत ही घमंड था कि सारे पक्षी रोजाना उस पेड़ के आम खाते और वहाँ से चले जाते। एक पेड़ जी, आप उदास ना हो, क्योंकि एक दिन आपके पेड़ पर बहुत सारे मीठे मीठे आम लगेंगे। रानू चिड़िया को उस पेड़ से बातें करते हुए कालू कौवा देख लेता है। देखो पेड़ भाई, रानू चिड़िया तुम्हारे आम खाती है और दूसरे पेड़ से जाकर बातें करती है। हाँ हाँ कालू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। जब दूसरे दिन सारे पक्षी पेड़ से आम खाने आते हैं तो पेड़ कहता है, जंगल के सारे पक्षियों, मैं इस चिड़िया को अपने पेड़ से आम नहीं खाने दूंगा, तुम उसी पेड़ से जाकर आम खाओ। वह चिड़िया उल्लू बैजी के पास जाती है और उनसे कहती है, बैजी, आपके पास कोई ऐसी दवा हो तो मुझे दे दो, जिसे पेड़ों पर डालने पर उसमें बहुत सारे फल लगें। हाँ हाँ रानू चिड़िया, मेरे पास वह दवा है। और उल्लू बैजी से रानू चिड़िया दवा लाती है और पेड़ में डाल देती है। अब जब सारे पक्षी आम खाने आते हैं तो देखते हैं दूसरे पेड़ पर भी बहुत सारे आम लगे हुए हैं। यह देखकर सारे पक्षी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे इस पेड़ पर इतने सारे आम कैसे लग गए? हाँ हाँ भाइयों, अब हम सब लोग इस पेड़ के आम खाने चलते हैं। तभी वह पेड़ कहता है, मैं इस कालू कौवे को आम नहीं खाने दूंगा, क्योंकि इसने कल रानू चिड़िया की शिकायत उस पेड़ से कर दी थी। और सारे पक्षी उस पेड़ के आम खाते हैं। कालू कौवा अलग दूर बैठा हुआ रहता है और दूसरे पेड़ को अपनी गलती का भी एहसास हो जाता है और वह सारे पक्षियों से माफी मांगता है। अरे पेड़ भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत ही मजाक उड़ाया है, हमेशा ही तुमसे बुरा भला कहता रहा। अब जंगल के सारे पक्षी दोनों पेड़ों से आम खाकर बहुत खुश रहते थे। एक दिन तोता, चिड़िया, कौवा और कबूतर सारे लोग भोजन की तलाश में जंगल की ओर चले जा रहे थे। भाइयों, हम जंगल में इतनी दूर आ गए पर अभी भी हमें भोजन नहीं मिला है, क्यों ना हम सभी लोग अलग अलग दिशा में जाएं? सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। कुछ दूरी पर जाकर कौवा को एक नारियल का पेड़ दिखाई देता है। अरे ये कौन सा फल है, पहले तो हमने कभी नहीं देखा है, यह देखने में बहुत ही सुंदर है, लगता है बहुत मीठा होगा। वह नारियल को चोंच से तोड़ने की कोशिश करता है पर नारियल चोंच से नहीं टूटता है। अब कालू उस नारियल को अपने साथ ले जाता है। क्यों, हमें तो भोजन नहीं मिला है, ये देखो मुझे कितना बड़ा फल मिला है। हाँ हाँ कौवे भाई, जल्दी से अब इस फल को बराबर भागों में बांटो। बारी बारी सभी पक्षी उस नारियल को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर किसी पर भी वह फल नहीं टूटता है। अरे कालू भाई, क्या चीज उठाकर लाए हो, यह फल भी है या नहीं है? हम तो इसे तोड़ तोड़ कर ही थक गए, पता नहीं खाने को ये कब मिलेगा।
तब कालू कौआ उस नारियल के फल को पैरों में दबाकर उड़ने लगता है। अब उड़ते उड़ते कालू के पैरों से वह नारियल छूट जाता है और जमीन पर जाते ही टूट जाता है। अरे वाह, यह तो फल टूट गया है। तभी सभी लोग वह फल मिलकर खा लेते हैं। अरे वाह वाह कौए भाई, यह फल तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। अब हमें बहुत जोरों की प्यास लग रही है और पास यहाँ कोई तालाब भी नहीं है। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। वहाँ पर एक मटका रखा होता है। तभी सभी पक्षी उस मटके के पास आकर बैठ जाते हैं। वह देखो, पानी हमें मिल गया है। पक्षियों, हम ये पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि ये पानी तक हमारी चोंच नहीं पहुंच सकती है। आ गया, मुझे बहुत अच्छा आइडिया आ गया है। यह पानी अभी ऊपर आ जाएगा और हम सारे पक्षी मिलकर यह पानी पी सकते हैं। पर कैसे कहूँ भाई, सारे पक्षी कंकड़ उठाकर उस मटके में डालते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। तब सारे पक्षी मिलकर पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं और फिर वापस अपने घर की ओर चले जाते हैं। एक दिन रानी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर एक पेड़ पर बैठी मौसम के मजे ले रही थी। तभी वहाँ पर एक बादल आता है। आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? रानू, मैं तो तुम्हें एक खबर देने आया था। यहाँ पर बहुत घने घने और काले बादल आएंगे और बहुत तेज बारिश बरसाएंगे। तुम जल्दी ही अपने लिए एक पक्के घर का इंतजाम कर लो और जंगल के सारे पक्षियों को भी यह सूचना दे दो। तभी रानू चिड़िया उस पेड़ पर जंगल के और भी पक्षियों को बुलाती है। तभी वहाँ पर कबूतर, तोता और कौवे भी आती है। सुनो भैया, सब लोग पक्के घोंसला बना लो, क्योंकि यहाँ पर कल से बहुत तेज बारिश आने वाली है। मैंने तो अपना पक्का घर पहले से ही तैयार कर लिया है। और तोता भी यही कहता है। तभी गौरी कौवी रानू चिड़िया से कहती है, रानू, तुमने अपना पक्का घर बना लिया है तो तुम लोग उस घर में बहुत घमंड बता रही हो। अभी हमारा पक्का घर बनके तैयार नहीं हुआ है और हमें उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। सुनो जी, वह रानू चिड़िया अपने घर का बहुत ही घमंड बता रही थी। अरे गौरी, तुम चिंता मत करो, हम उसका आज रात इंतजाम ही कर देंगे। रानू चिड़िया अपने लिए भोजन की तलाश में जंगल चली जाती है। तब इधर कालू आके रानू का पक्का घर तोड़ देता है। ये ले, अब तेतू भी पक्के घर में नहीं रह पाएगी। रानू चिड़िया जब लौटकर वापस आती है तो देखती है उसका घर टूटा पड़ा है। तब रानू चिड़िया बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। अरे, मेरा घर किस दुष्ट ने तोड़ा है? मैं तो पक्का घर बना के गई थी, पर अब मैं किस में रहूंगी? तभी बारिश बहुत तेज आने लगती है और रानू चिड़िया भाग कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी रानू को एक पेड़ में खोखली जगह दिखाई देती है और वहाँ उसी सुराग में चली जाती है। उस सुराग में रानू चिड़िया बड़े आराम से रह रही थी। कालू कौआ जब रानू का घर तोड़कर अपने घोंसले में जा रहा था। अरे, इस बारिश को भी अभी ही आना था, इस बारिश में अब मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। अभी एक बादल से बिजली निकलती है और कालू कौए पर गिर पड़ती है और कालू कौआ की वहीं पर मौत हो जाती है। रानू अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। रानू की माँ और पापा गरीब किसान थे जो खेतों में काम करके ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन रानू की माँ टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब हमारी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसके हाथ पीले कर दो। रानू चिड़िया जंगल में चली जाती है। तब वहाँ पर उसकी मुलाकात एक चिड़े से होती है। सुनो, मैं तुम्हें यहाँ कई दिनों से देख रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत गरीब माँ बाप की बेटी हूँ और आप मुझे अच्छे घर के लड़के दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। रानू चिड़िया अब अपने ससुराल पहुँच जाती है। रानू को देख कर पड़ोसी पक्षी
उसकी सास से कहते हैं, क्या तुम्हें कोई अमीर चिड़िया नहीं मिली जो अपने सोने से लड़के को इस गरीब चिड़िया से ब्याह लाए हो? नहीं, मेरी बहू बहुत गुणवान है और मुझे कोई अमीर चिड़िया नहीं चाहिए। टुन्नू की माँ, सुनती हो, वहाँ विदेश में आग लगने से तुम्हारी फैक्ट्री जल चुकी है और अब तुम्हारे पति और तुम्हारा बेटा नहीं रहा है। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मुझे सुख देने से पहले ही दुख दे दिया। चुप हो जाओ बहू, हम दोनों का सहारा अब हम दोनों ही हैं। बहू एक दूसरे का सहारा बनी हुई घर में रह रही थी। दूसरे दिन से जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी थी। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में पानी भरने लगा था और जगह जगह बाढ़ आने लगी थी। सभी पक्षी अब बारिश में बह रहे थे, किसी के घोंसले कोई पक्षी नहीं बच पा रहा था। अब बारी रानू के घोंसले की आती है। देखते देखते रानू का घोंसला भी बाढ़ के पानी में बह गया। अब रानू और उसकी सास एक डाल पर बैठ गए और देखते हैं जंगल में जगह जगह पानी भर गया है। कोई रानू चिड़िया को वहाँ पर बांस के पेड़ दिखाई देते हैं और रानू चिड़िया धीरे धीरे बांस का पेड़ बनाने लगती है। देखते ही देखते उस डाल पर एक बांस का घर तैयार हो जाता है। अब वहाँ देखती है बाढ़ में पक्षी बह रहे हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, बचाओ, हमें कोई बचाओ। तभी रानू चिड़िया उन पक्षियों की मदद करती है और उन्हें अपने बांस के घर में बुला लेती है। इस तरह रानू चिड़िया का जीवन उस बांस के बने घर में सुखी से बीतने लगा था।